बात करें हेयर स्टाइलिंग के बारे में और हमारे साथ इस वक्त मीरा है, यानी कि आपकी अपनी चकोर। स्वागत है आपका न्यूज़ में। हाय हाय। बात करें आज हेयर स्टाइलिंग के बारे में, तो चकोर को कितना मज़ा आता है रेडी होने, कितना टाइम लगता है? अगर चकोर की बात करें तो मेरी हेयर स्टाइलिंग बहुत सिंपल होती है, क्योंकि मुझे चकोर बाल नहीं बांधती है, ये एक उसकी चीज़ है, सिवाय दौड़ने के अलावा वो कभी बाल नहीं बांधती है, तो ये एक चीज़ है चकोर की। तो वो खुले बालों में हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो कर लेते हैं कई बार। पहले तो वो ये भी अलाउड नहीं था मुझे, मैं सिंपल बाल रखती थी, अब हम लोग थोड़ी बहुत हेयर स्टाइल करने लगे हैं। तो ये हम लोग 5 मिनट का काम होता है। और हाँ, मेरे बालों को टोंग ज़रूर होता है, मेरे बाल कर्ली दिखाए हमने, तो मेरे रियल लाइफ में बाल कर्ली नहीं है, स्ट्रेट है, तो वो हमें कर्ल्स करने पड़ते हैं बालों को। सो यस, इनके बीच बीच में हम देखते हैं काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है, राइट? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त निदा आ चुकी है अपना टोंग लेकर, और वो मेरे बालों को कर्ल करती रहती है, जैसे शॉर्ट फिनिश होता है वो लग जाती है, शुरू हो जाती है, सो दैट आपको परफेक्ट कर्ल्स मिले। सो यस, मीरा को पर्सनली किस टाइप के हेयर स्टाइलिंग पसंद है अगर पार्टी जा रही है? आई लाइक दोज वेवी क्रंची हेयर। तो मैं कई बार, मतलब हम लोग चोटी वो बनाते ना, सागर चोटी, उस पर अगर आप गीला करके ब्लो ड्राई कर दो तो बाल वैसे से हो जाते हैं वेवी से, क्रंची से। तो मैं कई बार ऐसा कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बाल, क्योंकि मेरे बहुत स्ट्रेट हैं। बट पर्सनली मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, मेरे खुद के लंबे बाल हैं, और मुझे सीरीज पसंद है क्लिप्स, या ऐसे क्लिप्स अच्छी लगती हैं। वो बचपन में जैसे फैंसी सी छोटी छोटी क्लिप्स लगाते थे, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है क्लिप्स का। हेयर बैंड्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो भी लगाती थी बहुत ज़्यादा। अभी ऐसा होता है घर उठो नहाओ शूट पे आओ, तो इतना कुछ नहीं करने मिलता, तो जो भी है शूट पे आने के बाद ही करते हम लोग। सो यस, जाते जाते अपने फैंस को क्या टिप देना चाहोगे, किस तरह से मेंटेन करते हो आप अपने बाल? सी, बालों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़े बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। तो और जब आपके बालों में इतनी सारी यू नो केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, यू शुड यू नो यूज़ घर का, मतलब जैसे मेरी मम्मी कर्ड बहुत लगाती है मेरे बालों में, अंडे लगाती हैं। मैं पर्सनली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बचपन से वही लगाया है, तो उससे बाल थिक रहते हैं। मेरी माँ तो कैस्टर ऑयल लगाती है, बहुत गंदी स्मेल होती है उसकी, बट उससे बाल बहुत घने और काले रहते, तो वो लगा लेती हैं। उसके अलावा यू नो आपको आपका स्काल्प भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप एक एक हफ्ता बाल ना धो तो फिर बहुत गंद मचती है, सो यू शुड ऑलवेज वॉश योर हेयर इन एवरी 3 डेज। आई हैव टू वॉश इट एवरी डे, मेरे बहुत ऑयली हो जाता है, एंड यू हैव टू कीप इट ड्राई। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें, डैंड्रफ ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, फ्रिजीनेस ना हो, इसके लिए कंडीशनिंग करते रहे बालों को अच्छे से। कर्ड और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा कंडीशन करती है। बचपन में ना मेरी माँ अरेठा भी डालती थी मेरे बालों में, तो अरेठा शिकाका ये सब का उबाल के यू नो नहलाना एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बहुत होती थी बचपन में, अब नहीं होती कुछ, बट अभी उनको मौका मिल जाए तो वो ज़रूर करेंगी। मेरा काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आप भी चाहिए अपने बालों का ख्याल रखिए।